सिंध हुकूमत का कारोबारी सरगर्मियां मशरूत बहाल करने पर गौर। महकमा दाखला सिंध को SOPs तैयार करने की हिदायत। वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। कारोबारी सरगर्मियों से मुतालिक फैसला किया जाएगा। कारोबार की बहाली से 30 लाख से ज़ायद दुकानदारों को फ़ायदा होगा। यकम मई से पेट्रोलियम मसनुआत की कीमतों में 27 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी में कम से कम इजाफे की पॉलिसी मुरतब की गई। कीमतों में ज्यादा से ज्यादा फायदा सार्फीन को मुंतकिल किए जाने की पॉलिसी है। कीमतों में कमी पाकिस्तान में तलब कम होने की बुनियाद पर होगी। टाइगर फोर्स का टेस्ट रन मुकम्मल, आज से ऑपरेशनल होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार टाइगर फोर्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। इब्तदाई तौर पर सियालकोट में नौजवानों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। नौजवानों को मसाजिद और यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर तैनात किया गया। रजाकारों पर मुश्तमिल फोर्स को जिला इंतजामिया और मकामी पुलिस का तआवुन भी हासिल है। पाक फौज की रोकथाम के लिए सिविल इंतजामिया के शाना बशाना इमदादी सरगर्मियों में मशरूफ। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी ने अब तक मुस्तहिक अफराद में 3.5 लाख राशन बैग तकसीम किए। अशियाए खुर्नोश पाक आर्मी की तनख्वाहों से एक अच्छी होने वाली इमदाद से खरीदी गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में राशन दिहाड़ीदार मजदूरों माजूरों बेवाओं में तकसीम किया गया। बैरून ममालिक से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अबूधाबी से 260 मुसाफिर फैसलाबाद पहुंच गए। अमरीका पाकिस्तान ने मजहबी आज़ादियों के मुतालिक कई इकदाम का मुतरफ। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट, कहा करतारपुर राहदारी, पहली सिख यूनिवर्सिटी और हिंदू मंदिर खोलना अहसन इकदाम हैं। तालीमी और अकलियतों के खिलाफ इम्तियाजी मवाद पर नजरसानी के हुकूमती फैसले बेहतरीन करार दिए। खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के जनूबी अजला में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज खुश्क और गर्म रहेगा। और हमजा अली अब्बासी ने शोबिस इंडस्ट्री छोड़ने के बाद जिंदगी में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों से पर्दा उठा दिया। कहते हैं पहले हर मामले में मुंह पर था, जब से अल्लाह के करीब हुआ हूँ बिल्कुल तब्दील हो गया हूँ। अब एहसास होता है कि अपने अदा किए और लिखे हुए हर लफ्ज़ पर अल्लाह हिसाब लेगा।
पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो नामजद पार्टी वजीर से उनके ओहदे का रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद शिबली फराज सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस दिल से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि बहैसियत वफाकी वजीर मैं अपने फ़राइज़ व कारहाए मनसबी मैं अपने अपने फ़राइज़ और कारहाए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा जो क़याम-ए-पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफादात को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर नज़रअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा कि मैं हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा और ये कि मैं किसी शख्स को बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी ऐसे मामले की इत्तला दूंगा ना इसे ज़ाहिर करूँगा जो बहैसियत वफाकी वजीर मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा बजुज जबकि बहैसियत वफाकी वजीर अपने फ़राइज़ की कमा हक़ अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो या जिसकी वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। जनाब सदर आपकी इजाज़त हो तकरीब का इख्तिताम किया जाए। जी सर मौसम मेहमानों की तशरीफ आपकी का बहुत जी सर मौसम मेहमानों की तशरीफ आपकी का बहुत शुक्रिया।